तो भाई यार वेलकम है तुम्हारा एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। और आज की वीडियो में भी हम पुशिंग करेंगे। और आज की वीडियो में ना तुम्हें फुल मैप गेम प्ले नहीं देखने को मिलेगा। मैं आज की वीडियो में टोटल तुम्हें 3 क्लिप्स दिखाऊंगा और अलग अलग क्लिप्स रहेगी, जिसमें कि यार तुम्हें पता चलेगा कि यार आखिर के जोन में कैसे फाइट करते हैं। अब जिस भी बंदे को आखिर के जोन में फाइट करने में दिक्कत जाती है, उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अब भाई यार अगर आप आखिर तक तो सर्वाइव कर लेते हो, बट यार दिक्कत आ जाती है कुछ आखिर के 2 या 3 जोनों में, जहां पर आप फाइट करने के चक्कर में थर्ड पार्टी से मारे जाते हो, कभी कभार जोन में ही एलिमिनेट हो जाते हो। और इन सब कंडीशन में यार आप टेंशन में आ जाते हो और गलत डिसीजन ले लेते हो। बट टेंशन की कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो की 3 क्लिप्स को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से जोन में जाना चाहिए और यहाँ पर किस तरीके से आपको हर एक सिचुएशन में कैसे खेलना है, वो भी पता चलने वाला है। तो भाई लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में हमने लाइक टारगेट रखा है 100 लाइक्स का, तो होप करता हूँ आप लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि यार इस वीडियो पर लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो मैं अलग से रोटेशन कैसे करते हैं आखिर के जोन में उसके अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आपने लाइक किया है कि नहीं, और भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, तो फर्स्ट नंबर गेम प्ले आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पर भाई अभी जस्ट मैंने एक किल किया है और इस बंदे के पास बहुत सारी वॉल थी, और अभी यहाँ पर मैंने 100 किल कर लिया, इसको लूट लूंगा। बट यार बाहर में एक टावर पे बंदा था, उसको फिनिश करना होगा हमें। बट यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको मैं आराम से मार देता हूँ क्रोनो लगा के। अगर आपके पास भाई क्रोनो हो तो ही आप खुले कवर में ज्यादा से ज्यादा जाओ, वरना यार वॉल से भी आप मारे जा सकते हो। ठीक है, तो आराम से खेलो, कवर लेके खेलो। अब यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जोन के एक साइड पर हूँ, ना ही जोन के बीच में और ना ही मैं जोन के अंदर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एकदम सेफ बैठा हुआ हूँ और एक तरफ है तो मेरा थर्ड पार्टी होने के चांसेस कम है। लेकिन यार मुझे यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी बंदा आ सकता है। अब देखो यार आखिर के कुछ जोनों बने ना तो भाई आपको जोन टू जोन पकड़ना है, किधर भी बंदा हो भूल जाओ भाई, आपको पहले यहाँ पर जोन पकड़ना है। तो यहाँ पर मैं जोन पकड़ता हूँ और ऊपर यार रिच में जोन बन रहा था तो मैंने सोचा इधर पे जाते हैं, अगर इधर एक बंदा होगा तो हम इजीली फिनिश भी कर देंगे, बिकॉज यार हमारे पास यहाँ पर 23 वॉल है तो हमें उतने डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पर बस मुझे यार बंदे को स्पॉट करना है, बिकॉज अगर लोकेशन पता चल जाएगी तो इजीली मैं यहाँ पर और अंदर जोन में जा सकता हूँ। तो एक बंदा मुझे दिख जाता है भाई एल शेप में जाता हुआ, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, और एक बंदा की लोकेशन मुझे नहीं पता थी। बट भाई इतना गंदा VSS मारता है ये बंदा, अगर मेरे पास इनहेलर नहीं होता तो शायद मैं मारा जाता। लेकिन अभी तो रुको, मैं हेड के चक्कर में मैं सोचता हूँ उसका हेड ले लूंगा इजीली। बट गाइस अगर यहाँ पर इनहेलर फिर से मुझे पास नहीं होता ना भाई, इतना गंदा वाला मारा जाता, मेरी पूरी वॉल भी चली जाती वेस्ट एकदम। तो भाई यार VSS X अगर आपके सामने हो तो भाई आपके ऊपर इनहेलर होना ही चाहिए। अगर आपके पास इनहेलर नहीं है तो यार बिल्कुल भी मत छेड़ो यार VSS X वाले को, बिल्कुल भी कवर मत दो। उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने के कारण वो भी यहाँ पर हीलिंग करने लगा। और यहाँ पर यार मुझे टोटल एक ही बंदे की पोजीशन पता चल रही है अभी तो, क्योंकि यार वो बंदा एल शेप से भाग चुका है। तो यहाँ पर यार जोन आ चुका है, हमने जोन कवर करने के लिए इधर साइड में आ चुके हैं और अब मुझे दोनों की पोजीशन पता चल चुकी है। तो यहाँ पर बस वेट करेंगे कब वो दोनों जोन में आएंगे। आई थिंक सो एक बंदे के पास तो जोन था ही, बट यार इसको देखते गए इसे कब तक बाहर निकलता है। और भाई देखो किसी ने इसके ऊपर स्कैलर छोड़ा, पर मेरा ध्यान नहीं जाता इसके ऊपर। बट यार जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती है, और इसको भाई M4A1Z के कारण हम गंदा वाला डैमेज करके फिनिश कर देते हैं। अभी एक बंदा की भी पोजीशन पता चल गई थी यार, और ये नूबड़ा भाई एकदम सीधा सीधा भाग के आ रहा था, जिसके कारण गंदा वाला हेड लेके और बॉडी से फिनिश कर दिया। ये गेम हमारा टोटल भैया हो चुका है। अब इस तरीके से भाई मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और अभी तक जितनी भी पुश कर रहा हूँ सोलो में इस तरीके से खेल रहा हूँ। तो भाई कैसा लगा गेम प्ले कमेंट में बताना, और अभी भी 2 गेम प्ले बचे हैं तो यार उनको भी देखो और समझो किस तरीके से आपको खेलना है। तो 31 प्लस हुआ और यहाँ पर भाई मेरा आई थिंक सो ये तीसरा चौथा गेम था दिन का, तो बैटल स्कोर तो हो ही गया था। अब बढ़ते हैं अगले गेम प्ले के ऊपर। इस वाली क्लिप में यहाँ पर मेरा सैंडविच हो रखा है, मतलब कि टावर पे भी बंदा है और साइड में भी बंदा है। ठीक है, बट यार एक मुझे फायदा ये मिल जाता है कि जो टावर वाला बंदा होता है वो इधर से जाने लगता है, उसको जोन भाई बहुत जल्दी कवर करना है यार, तो वो यहाँ पर जोन कवर करने चला गया। और पीछे से भी बंदा मुझे फायर कर रहा है और यार उसको भी जोन में जाना पड़ेगा, तो यार उसको हमको डैमेज करना पड़ेगा ताकि हम भाई जोन के अंदर जा सके। तो एम नहीं जाता है, बट यार पेन के सहारे में
मैं जोन के अंदर मुझे जाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर यार जोन श्रिंक हो चुका है, मेरे अलावा टोटल 4 बंदे बच रहे हैं और यार मुझे लग ही रहा था कि यार सामने बंदा मुझे फायरिंग करेगा और भाई उसने मुझे डैमेज कर दिया। तो यहाँ पर हम फटाफट से हीलिंग करेंगे और आगे जाएंगे। अब यहाँ पर भाई दिक्कत क्या होता है कि मैं जंप कर देता हूँ जिसके कारण यार बॉल दूर चली जाती है, जिसके कारण लग नहीं पाती है। तो यार देखो मेडिकेट भी मेरे पास कम हो गई है, 3 मेडिकेट ही बची है और अभी सिर्फ 3 ही किल है, तो यार 1 किल और करूँगा जिससे कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस मिलने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई इतना अच्छा दिमाग लगाता है, ग्रेनेड को पूरा आखिर तक कुक करता है और सीधा बंदे के पास फेंक देता है जिसके कारण मुझे 1 किल और मिल जाता है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन आ जाती है कि मुझे इतना ज़्यादा फुटप्रिंट आते एक बंदे के, तो यार मैं वहीं घूमने लगता हूँ और एकदम से क्रोनो लगा के इसको सीधा हेड मार देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे मेडिकेट लूटना है, मेडिकेट लूटने के बाद में हम यहाँ पर आगे जाएंगे जोन के अंदर। यहाँ पर यार बहुत सारा मेडिकेट लूटने के बाद में यहाँ पर मैं जोन में जाता हूँ और बस गाइस एक ही बंदा बचता है और यहाँ पर मैं यूएवी छोड़ देता हूँ जिसके कारण मुझे पता चल जाएगा कि यार बंदा किधर पे है। तो यार यूएवी अगर आपके पास है ना तो यार आखिर में छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे बंदे आखिर तक कैंपिंग करते हैं, अगर 1v1 होगा तो भी भाई बहुत कैंपिंग करेंगे। अब ये बंदा देखो यार कितना दूर है जोन से, भाई मैं होता तो पहले जोन कवर करता। तो यहाँ पर ये बंदा आता है, इसे मैं 11 का डैमेज करता हूँ और ये बंदा भाई बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी फाइट लेता है ये मेरे से। तो बस देखते रहो और वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर ये गेम भुया होता तो पक्का भाई वीडियो को लाइक कर ही देना। तो यहाँ पर मैं उसे मैक्स 7 से डैमेज करने की सोचता हूँ बट यार गाइस वो नहीं हो पाता है। लेकिन अब वो सोच रहा होगा कि मैं इधर से घूम के जाऊँगा, बट यार मैं उसके पीछे से ही घूम के चला जाता हूँ जिसके कारण यार मैं जंप लेके और ईजिली यहाँ पर हेडशॉट ले लेता हूँ। तो ये वाला गेम भैया हो चुका है और भैया हो गया तो भाई फटाफट से लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो हमारे 2 गेम प्ले हो चुके हैं और भाई मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था, खैर छोड़ो ये सब बातें। तो यहाँ पर यार हमारा कितना प्लस लगता है देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर भाई मेरा 53 प्लस लगा है जो कि अच्छी बात है यार, ये मेरा बैटल स्कोर था और यहाँ पर हमने टोटल 6 किल करे हैं। तो यार अब बढ़ेंगे हम हमारे लास्ट गेम प्ले के ऊपर, तो यार पूरा देखो और एंजॉय करो। ओके गाइस यार, तो यहाँ पर मेरा इस गेम में 5 किल हो चुका है और अभी मैंने एक ऐसे बंदे को मारा जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। भाई इतना अच्छा खेल रहा था वो बंदा, बट यार हमने उसे ग्रेनेड से किल कर दिया है। यार मैं ज़्यादातर किल ग्रेनेड से ही करता हूँ क्योंकि यार ग्रेनेड बहुत अच्छा रहता है और ग्रेनेड से यार टाइम करके हम इजीली यहाँ पर फेंक सकते हैं अगर हमें बंदे का सही पोजीशन पता हो तो। अब यहाँ पर टोटल 2 बंदे ही बच रहे थे और दोनों फाइट उधर पे ही कर रहे थे वो घर के पास। तो इस बंदे को डैमेज करते ये बंदा तो भाई वॉल लगा लेता है, बट यार इस बंदे के पास पता नहीं वॉल होती है या नहीं और इसको मैं इजीली ड्रैगो एके से किल कर देता हूँ। भाई ये एके ना एकदम जॉड चलती है, बहुत ही खतरनाक। तो यार यहाँ पर अब बस एक बंदा बच रहा था वो जो सामने की तरफ है, तो यार उसे भी हमें किल करना ही था। तो यहाँ पर हम वॉल लगाएंगे, पहले तो कवर तो हमें चाहिए ही चाहिए और भाई देखो कितना गंदा वाला है, हमने इसको डैमेज कर दिया। यहाँ पर एके भाई बहुत ही ओपी चलता है, तो यहाँ पर हम फिर से ग्रेनेड को करेंगे और भाई देखो यार तुम्हारे भाई का ग्रेनेड, तो ये वाला ग्रेनेड तो यार 63 का डैमेज देता है बट ये वाला ग्रेनेड जो है सीधा जाने वाला था और मैंने भाई क्रोनो भी लगा लिया क्योंकि यार वो बंदा भी जो है ग्रेनेड को कर रहा था। भाई ये गेम प्ले हमारा भुजा हो चुका है। अब देखो यार आपको मैं आखिर का गेम प्ले इसलिए बताता हूँ ताकि तुम समझ सको किस तरीके से फाइट करना है, ठीक है। तो इस गेम में टोटल हमारा 51 प्लस लगता है। अब होप करता हूँ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।